हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएफ ट्रैक के क्लास में। और आप सीख रहे हैं पीएफ ट्रैक विद वीएफएक्स मेंटोर, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा एकदम डिटेल वाली चीजें। ऐसी नहीं कि थोड़ी सी चलो सिखा दिया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा जैसे आप फिजिकल किसी इंस्टीट्यूट में क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में और पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा अगर आपको मैच मूव आर्टिस्ट बनना है या फिर आपको ट्रैकिंग आर्टिस्ट बनना है। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये रहा मैक्स, और जैसा कि हमने ट्रैक वहाँ से कर लिया है, उस फाइल को एक्सपोर्ट भी कर लिया है, तो मैं पहले एक्सपोर्ट वाला फाइल दिखाता हूँ। सो ये रहा हमारा, यहाँ पे आते हैं और ट्रैकिंग डे वन, और लाइक सो मैं यहाँ से भूल गया था, ये एक्सपोर्ट तो मैंने सेलेक्ट कर लिया था लेकिन यहाँ से हमने एक्सपोर्ट सीन नहीं किया था। तो एक बार के लिए एक्सपोर्ट सीन कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। ओके, अभी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा टेबल कैमरा, राइट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये टेबल कैमरा। सो ये फाइल अपने को यहाँ पे दिख गया है। अब हमें क्या करना है कि इस फाइल को यहाँ पे लाना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इंपोर्ट जब करेंगे ना, तो इंपोर्ट में आपको यहाँ पे वो जो फाइल है आपका वो दिख नहीं रहा है, जो भी कैमरा वाला फाइल है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करते हम, दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर आपको करना है यहाँ पे लाइक मैक्स स्क्रिप्ट एंड रन स्क्रिप्ट, या ओपन स्क्रिप्ट करना है, और रन स्क्रिप्ट भी आप कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे जाइए, तो आपको यहाँ पे वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और दिखने के बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और या फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए और ड्रैग करके आप यहाँ पे ला के इसको ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने छोड़ा, आप देखेंगे कि वो पीएफ ट्रैक का जो कैमरा था वो कैमरा अभी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सी दिस इज द कैमरा, और ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और अगर हम इसे प्ले कर देंगे तो यहाँ पे ये प्ले होता हुआ भी आपको दिखेगा, ठीक है। आपके ज्योमेट्री भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ज्योमेट्री मुझे नहीं दिखना चाहिए, मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपको आप इस तरीके से इसको यहाँ से ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और एक चीज़ है इसका, एक यहाँ से आपको मिलेगा कंटेनर एक्सप्लोरर और न्यू सीन एक्सप्लोरर, ये आप ऑन करके इसको रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएंगी। जैसे ये देखो, ये सारे के सारे, अगर आपको इनको छिपाना है तो लाइक ये सारे मशरूम्स वाले हैं, और इन मशरूम वाले को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ पे भी देखो टगल डिस्प्लेज है, और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू लेयर का भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मैं। सो इसके अंदर जाएंगे तो देखिए ये वाला मशरूम आपका यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे ये मशरूम्स आपको सारे दिख रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से इन सारे मशरूम्स को आप लाइक, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस मशरूम्स को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये मशरूम्स नहीं चाहिए तो आप इनको हाइड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। देखो सारे के सारे मशरूम्स अभी जो मेरे टेस्ट ऑब्जेक्ट थे सब के सब अभी दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक काम करो, और ये जो है हमारा पीएफ ट्रैक का डेटा है, दिस इज द पीएफ ट्रैक वाला डेटा। अगर आप इसको यहाँ से लाइक अगर डीएक्टिव करना चाहते हैं तो आप इसको भी एक्टिव कर सकते हैं। दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा ग्रुप, जो कि ये पूरे कैमरा का ग्रुप है। अगर आप इसको पूरा ऐसे पकड़ के और अगर कुछ भी करेंगे तो इसके अंदर वो चेंजेस आपको दिखेगा। तो मुझे अभी वो भी नहीं करना है। तो ये सारे मशरूम्स वगैरह हैं, तो ये सब यहाँ से ईजिली हाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे अपने उस फुटेज को देखना है, ताकि हमारा ये हमें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमारा परफेक्ट काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये ट्रैक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर व्यूपोर्ट पे जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, और यहाँ से यूज फाइल करेंगे, और यहाँ से आप अपने उस फाइल को चूज करेंगे। कौन से फाइल को? जो हमारा डेटा वाला फाइल है, ये वाले को। यहाँ से हम कर लेंगे सिक्वेंस में, एंड इसको हम कर लेंगे ओपन। यहाँ पे देखिए 0 से 114 तक आ रहा है, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आपको कर देना है मैच बीट मैप एंड अप्लाई टू एक्टिव व्यूपोर्ट, एंड देन
क्लिक ऑन ओके। जैसे आपने किया ये देखिए आपके यहाँ पे ये चीजें आ गई हैं और ये सारी चीजें ऐसे एग्जैक्टली वैसे दिख रही है। ये अगर आप यहाँ से प्ले करोगे ना तो ये प्ले में ये कुछ काम नहीं करेगा, मतलब ये प्ले में साथ साथ एक्टिवेट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रेटर देन एंड लेजर देन जो है उस साइन को अगर आप करेंगे ना, जैसे ग्रेटर देन का जो साइन है उसको अगर आप प्ले करोगे उसको पकड़ के, तो ये देखो एकदम आपका यहाँ पे अच्छे से ये हो रहा है और आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल मेरा जो भी चीज़ हो रहा है वो एकदम परफेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सो हमने यहाँ से चेक कर लिया और ये सारी चीज़ें हमारी हो गई अभी, तो ये तो हो गया। अभी यहाँ से अगर आपको मैं यहाँ पे Alt W कर दूँ तो आप यहाँ पे आकर देखेंगे कि आपकी ओरिएंटेशन कितनी परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, ये सब दिखेगा। तो देखिए ये हमारा टेबल वाला पार्ट है, ठीक है, ये टेबल वाला पार्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी टेबल वाला पार्ट है, देखो एकदम टेबल वाला पार्ट एकदम टेबल पे ही है, सब कुछ परफेक्ट है। सो अब आपको क्या करना है कि अब सपोज मान लो ये वाला पॉइंट को हमने पकड़ लिया, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ऐसे पकड़ लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कोई एक चीज़ बनानी है, तो चलो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, या मैं एक टीपोट बना लेता हूँ और टीपोट हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। हमें टीपोट बना लिया एंड टीपोट बनाने के बाद आपको करना क्या है कि इसको आपको पकड़ के इसके साथ लिंक कर देनी है, इसको पकड़ के इसके साथ लिंक कर देना, क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट है तो मैंने इसके साथ इसको लिंक कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो टीपोट है वो एकदम परफेक्टली मूव कर रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है उसको मूव होने में, देखिए, और बहुत अच्छे से आपका ये मूव कर रहा है। इवन अभी अभी आप यहाँ पे आके ये मैंने प्रेस करके रखा है रखा था तो इसकी वजह से ये भी जा रहा है, ठीक है। सो अभी ये हमारा यहाँ पे हो गया और अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और मैं चाहूँ तो अपने इसको लाइक इसको पकड़ के, अच्छा एक चीज़ और एक गड़बड़ी और है कि हमने इस पॉइंट को इसके साथ लिंक किया है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चाइल्ड पेरेंट वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको घुमाएंगे तो देखिए अभी ये ऐसे घूम रहा है, तो आपको क्या करना है कि लिंक जो करना है इसको आप लिंक कर दीजिए इसके साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको घुमाएंगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा, ये देखो, ठीक है, क्योंकि अभी ये पेरेंट है ये चाइल्ड है। सो अभी यहां पे हो गया और मैं अभी आ जाता हूं इधर और ये जो मशरूम वाला जो पार्ट है मैं इसको ऑफ कर देता हूं। जो भी मशरूम्स वाले पार्ट है ना मैं उनको ऑफ कर दे रहा हूं, डन। तो ये भी हमारा यहां पे हो गया। अभी मैं इसको प्ले करके देख लेता हूं, तो जाता हूं यहां पे एंड इसको प्ले कीजिए, तब अभी देखेंगे कि आपका जो टी पोर्ट है वो पूरी तरीके से कनेक्टेड है आपके इस शॉट के साथ, पूरा कनेक्टेड है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इसको मूव कर सकते हैं, तो आप इसे पकड़िए और इसको जहां पे भी आपको मूव करके रखना है वहां पे ऐसे रख सकते हो। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्लेन भी चाहिए, सो मैं यहाँ पे एक प्लेन को भी ऐसे लेता हूँ, ऐसे मैंने एक प्लेन ले लिया, छोटा सा प्लेन लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लूंगा, ऐसे प्लेन ले लिया और इस प्लेन को भी मुझे लिंक कर देना इसी के साथ, कर दिया। उसके बाद आप इसको ऐसे करें और यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। सो हमारा ये प्लेन अभी यहाँ पे इसके साथ बैठ चुका है। अभी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखिए जो प्लेन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है। और अगर आपको लगता है, कभी भी अगर आपको लगे कि प्लेन शायद थोड़ा सा टेढ़ा है या जो भी है, तो आपको क्या करना है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे कैमरा का जो ग्रुप है ना, ये पूरा जो कैमरा ग्रुप है इसके अंदर इसको आप पूरा को पकड़िएगा, पूरा को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। और पकड़ने के बाद आपको अगर लगता है कि हमारा जो प्लेन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इस कैमरे ग्रुप के साथ
आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेशंस दे सकते हैं अगर आपको लगे तो। एंड दिस इज द मेन थिंग, दिस वन, दिस इज द कैमरा, ठीक है, दिस इज द कैमरा और दिस इज द पीएफ ट्रैक डेटा। एंड बेहतर होगा कि आप पीएफ ट्रैक डेटा को पकड़ के ही करें, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा चीज देखो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगा। सिर्फ कैमरा को पकड़ने से दिक्कत हो सकता है, तो कैमरा को वैसे भी हिलाना नहीं है हमें। हो गया, डन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं और चाहें तो ये जो फीचर्स हैं, ये जितने भी हमारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स को भी हम हटा सकते हैं। लाइक जो भी हमारे फीचर्स यहाँ पे आए हैं, ये देखो ये सब जो फीचर्स हमने यहाँ पे लिए, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे फीचर्स हैं। तो अगर इन फीचर्स को भी हम यहाँ से चाहें ऑफ करना, तो हम ऐसे ऑफ कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे फीचर्स को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। इसे पकड़ते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एजेस को पकड़ते हैं, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे अंदर की ओर ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। रोटेशंस वगैरह जो भी करना है कर सकते हो। इसको ऐसे पकड़ के आप थोड़ा नीचे भी डाल सकते हो, देखो ऐसे नीचे भी डाल दो। तो अभी ये क्या है कि ये आपका पूरा का पूरा इसके साथ ही ट्रैक है। अभी आप यहां से प्ले करके देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, प्ले करके देखिए, तो ये पूरे तरीके से एकदम ट्रैकिंग होकर ये परफेक्ट वे में आपका ये ट्रैकिंग होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे आपको जो भी टेक्सचर्स वगैरह देने हैं, वो टेक्सचर्स वगैरह आप यहाँ पे दे लीजिए। और अगर आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, आप यहाँ से ऐसे वर्टेक्स को पकड़िए और इससे आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आप अभी अपने जो भी आपका ये पॉइंट्स है, उस पॉइंट के हिसाब से आप इसकी मॉडलिंग बखूबी कर सकते हैं। जो भी आपको देना है, इसके हिसाब से आप बखूबी इसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाकर मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ। ये देखिए, तो पूरी तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी ट्रैक हो चुका है। ये देखो, बाहर निकलना है बाहर भी निकलेगा, टीपोट भी एकदम मूव नहीं कर रहा है, एकदम हिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आने वाले क्लासेस में मैं माया का भी इस्तेमाल करूँगा, माया को भी इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस चीज़ को सेम, इस चीज़ को आपको कैसे करना है। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे हो गया। अब प्रोसेस क्या होता है कि अब ये इसका क्या करें। अब यहाँ तक तो हो गया, ट्रैकिंग हमने सॉफ्टवेयर में कर लिए, अब क्या करें। तो अब आपको करना ये है, अब आपको करना ये है कि यहां से आपको लाइटिंग करनी होगी, इसके हिसाब से, इस सीन के हिसाब से किधर शैडो गिर रहा है उस हिसाब से आपको लाइटिंग करनी होगी। और लाइटिंग करने के बाद इसको यहां से हम कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं और फिर वहां पे हम इसका फाइनल आउटपुट निकालते हैं।